देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति बीटीएन न्यूज में आपका स्वागत है। चुनाव से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातों को लेकर जिलाधिकारी राजीव रौशन की अध्यक्षता में संबंधित पदाधिकारी के साथ बैठक का आयोजन किया गया। वहीं बैठक के संबंध में जानकारी मिली कि नगरपालिका चुनाव 2022 को लेकर बैठक की गई थी। निगम क्षेत्र के कई वार्ड में आरक्षण सर्वे किया जाएगा सहित और भी कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। जिला उद्योग केंद्र द्वारा जिला उद्योग केंद्र परिसर में उद्योग विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के लिए जिला स्तरीय ऋण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के 41 मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अति पिछड़ा वर्ग महिला युवा उद्यमी योजना के 15 आवेदक को जिलाधिकारी राजीव रौशन के द्वारा उप विकास आयुक्त अमृता बेंस के साथ अग्रणी बैंक प्रबंधक अजय कुमार सिन्हा महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र द्वारा ऋण का चेक चयनित आवेदकों को प्रदान किया गया। ऋण की कुल राशि लगभग 5 करोड़ रूपए है। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने आवेदकों और बैंक प्रबंधकों को संबोधित करते हुए कहा कि प्राप्त ऋण की राशि का सही उपयोग करते हुए चयनित आवेदक अपना उद्यम व रोजगार खड़ा करें और इसे आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ उद्यम क्यों नहीं आगे बढ़ पाता है, हमारा विश्वास हमारी कार्य संस्कृति को सुदृढ़ करना होगा। यही के लोग अन्य राज्यों में जाकर उस अनुशासन उस संस्कृति का पालन करते हैं और अपने उद्यम के साथ आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जब अपने यहाँ करते हैं तो उस कार्य संस्कृति अनुशासन का पालन नहीं कर पाते, इसे समझना होगा। उन्होंने कहा कि कार्य संस्कृति का तात्पर्य है समयबद्धता अनुशासन मार्केट के दिशा को समझना उस दिशा में अपने को ले जाना। उन्होंने कहा कि अपने उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए अपनी कार्य संस्कृति और अनुशासन को सुदृढ़ करना होगा, समय के साथ बदलाव लाना होगा, बाजार की दिशा को समझना होगा, तभी यहाँ के उद्यमी आगे बढ़ पाए। उन्होंने बैंक प्रबंधकों को कहा कि बिहार में ऋण प्रदान करने की गति धीमी रही है, वहीं गुजरात और महाराष्ट्र जैसे विकसित राज्य जो समुद्र के किनारे अवस्थित है वहां जितना ऋण प्रदान किया जाता है कम से कम उतना बिहार में भी किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वहां सीडी रेशियो द्वारा साख जमा अनुपात 60% है जबकि बिहार में 40%। एक रोजगार से दूसरा रोजगार उत्पन्न होता है, हमारे बैंकों को इसके लिए आगे आना होगा, तभी यहाँ की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। उन्होंने कहा कि बैंकों को भी अपने कार्य संस्कृति में बदलाव लाने की जरूरत है। कार्य संस्कृति से तात्पर्य है कि समय पर आवेदन का निष्पादन किया जाए। इस अवसर पर ऋण प्राप्त करने वाले आवेदकों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी, उनकी आंखों में आशा की किरण नजर आ रही थी। शायद इनमें से कोई आगे चलकर एक बड़ा उद्योग स्थापित करने में सफल हो सके। हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाते, हमारे उद्यम की क्यों एक सीमाएं हो जाती है, उसको हमको तोड़ना, हमारा जो एक विश्वास है जो वर्क कल्चर है उसको इम्प्रूव करना होगा। यही के लोग बाहर जा करके उस अनुशासन का वर्क कल्चर का पालन करते हैं, वर्क एथिक्स का पालन करते हैं, लेकिन जब अपने यहाँ करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों के बीच में वो वर्क कल्चर नहीं आ पाता। वर्क कल्चर का क्या है कि समयबद्धता, मार्केट के मूड को समझना, उसको आगे दिशा में ले जाना। कई जिलाधिकारी सह अध्यक्ष जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय राजीव रौशन की अध्यक्षता में त्रिस्तरीय छापामार दस्ते के सदस्य एवं पदाधिकारियों के साथ अन्य हितधारकों हेतु जिला स्तरीय उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिले के सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों के अलावा पुलिस पदाधिकारी भी उपस्थित हुए। उक्त कार्यशाला में राज्य सरकार की तकनीकी सहयोगी संस्था सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी के कार्यपालक निदेशक दीपक मिश्रा ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया कि राज्य सरकार एवं सीड्स के द्वारा संयुक्त रूप से राज्य के सभी 38 जिलों में चलाए जा रहे तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत तंबाकू नियंत्रण अधिनियम कोपटा 2003 के विभिन्न धाराओं के बारे में विस्तार से बताया।
बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज, इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ, आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरिया सराय। शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर द्वारा संचालित आइडिया पार्क में प्रत्येक साल की तरह इस साल 2022 में छात्रों का उत्कृष्ट रिजल्ट रहा है। आइडिया पार्क में मेडिकल यानी नीट, आईआईटी, जेई, 11वीं, 12वीं बोर्ड के साथ साथ जूनियर सेक्शन में सीबीएसई के छात्रों के लिए क्लास 7वीं से 10वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों को 575 से अधिक अंक आया है। छात्र हर्ष मोहन कुमार ने आईआईटी एग्जाम में अच्छा रैंक लाकर आइडियल पास और तकनाचल को गौरवान्वित किया है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ा बाजार हजारीनाथ मंदिर के निकट दुकान में चोरी हो गई। दुकान का नाम गोविंद नगीनाथ जेम्स के नाम से दुकान है। दुकान के प्रोप्राइटर ने बताया कि चोरों की काली करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दो चोर दुकान के बाहर रहकर करते हुए नजर आए और एक चोर दुकान के अंदर घुसे और 50,000 से अधिक के नगद लेकर चंपत हो गए। शहर से लेकर गांव तक इस चोरी की घटनाएं खबर सुनने को मिलती है, लेकिन पुलिस प्रशासन की गिरफ्त में अभी तक चोर नहीं आ पाया है। ये तकरीबन ये गोविंद नगीना जैन से छठ के बिहान होकर के मंगलवार को दोपहर 12 से 11 बजे के बीच में मेरे दुकान में शटर तो नहीं बैनर को उनार करके दुकान के अंदर में घुसा। घुसने के बाद दो लड़का बाहर में था, एक लड़का सामान निकाल के बाहर दिया और देने के बाद चलते बना। ये घटना आपको बड़ा बाजार हजारीनाथ मंदिर के पास हुआ है, गोविंद नगीना जेम्स में। मेरा नाम शंकर सोनी हुआ, इस दुकान को हम चला रहे हैं। कम से कम अनगिनत सामान था, नर नगीना था, बहुत सारा सामान है, उसका खोजबीन अभी कर रहे हैं कि कितने का सामान है। सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत चंदनपट्टी मोहल्ले में स्थानीय लोगों के द्वारा छठ पर्व के शुभ अवसर पर मंगलवार की रात्रि ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था। ऑर्केस्ट्रा के आयोजन में बगल के गांव के लोगों द्वारा जमकर उत्पात मचाया गया, मारपीट की गई थी। मारपीट में दोनों पक्ष के कई लोग घायल हुए, स्थानीय लोगों के द्वारा समझा बुझा कर शांत करवा दिया गया। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि वार्ड सदस्य राम विलास यादव का कहना है कि मोहल्ले के कई बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं तो दूसरे पक्ष के लोगों के द्वारा उस बच्चे के मारपीट की जाती है, जिसको लेकर खुद दूसरे पक्ष के लोगों के पास जाकर समझौता करने की कोशिश की तो गंगवारा चंदनपट्टी मोहल्ले के लोगों ने मारपीट करना शुरू कर दिया। गंगवारा चंदनपट्टी के लोगों का कहना है कि मार्केट की तरफ जाते हैं तो गंगवारा को पाटोल के लोगों के द्वारा घेर कर मारा जाता है। बस लगा माने कि हम बचने की कोशिश की, बड़का धैंका से हाथ से तोड़ दिया। कब कब मारा आपको? अभी एक घंटा पहले की बात है। अच्छा, कौन लोग थे वो लोग? वो किला का भाई है जो ठेला चलाते, उसका नाम नहीं जानते हैं, वही का बरसा रहा था। क्यों मारा आपको? इन लोग सब छठ में अब क्या हुआ, नहीं प्रोग्राम किया था अब क्या, ये तो धिया पुता में क्या झगड़ा हुआ नहीं झगड़ा हुआ इससे हम लोग कोई मतलब नहीं। अब फोन किया, प्रोग्राम नहीं किया, हम लोग इस महिला में से रिक्शा लेकर जा रहे थे तो कह रहा नहीं भी उसमें महिला के भी शामिल होगा इसमें, मारो इसको, बस यही बात है। पर्व के शुभ अवसर पे सब गांव मोहल्ला मिल के हम लोग ऑर्केस्ट्रा करवाए थे, ठीक है। यहाँ होने के बाद उधर होता है तो हम लोग नहीं जाते, यहाँ हो रहा था शांतिपूर्वक, सब माँ बहनें देख रहे थे। वो लोग आता है, लड़की के हाथ खींचता है, कपड़ा उठाता है, वो मुक्का दिखाता है तो उसको पाँव हेर दिखाता है,
फिर उसके बाद हम लोग झगड़ा होने के बाद भी वो लोग चला गया, फिर सुबह में वो लोग आया मार के चला गया। हम लोग नींद में थे, सब आदमी थक हुए थे, सोए हुए थे। इधर से कोई भी उधर जाता है तो वो लोग घेर के मारता है। नाम है दुर्गा यादव, सागर पासवान, प्रेम पासवान, दुखी पासवान, कुमार पासवान, शंकर पासवान, राजा मारता है, मारता है। हम लोग छूट कर दिया, हम लोग कहते हैं मारना पड़े, वो लोग कहता मार करे बाहुबली बनना चाहता है। अर्केस्ट्रा में हुआ, किस पर? चनपति रोड में, पंचायत भवन के पास। वहाँ पे चार पांच मोहल्ला का लड़का गया था देखने के लिए, उस डांस में मार हुआ। उसके चक्कर में वो सब लाठी लेके लगभग हम 20-25 आदमी थे, उन लोग के जवाब में शुरू किया मारने के लिए। मारते मारते यहाँ पर रोड यहाँ पुराने गए डंडा चला यहाँ से मारपीट हुआ। बच्चे लोग में हुआ, उसको समझौता करने के लिए उस पार का आदमी बबलू पासवान ये सब जो है महेश यादव सब हमको बुलाया। बुलाने के क्रम में हम सिंगल आदमी गए वहाँ, जाने के बाद जो है हमको वहाँ जो है घेर करके और जो है हमारे पीछे से बाप से हमको मार बैठा। तो हमारे गांव वाले ने सुना कि मारा है रामलीला जी को, तो सभी गांव वाले ने गए। उसके बाद हमको उठा के हुआ दिया पूता की लड़ाई। कुछ दिन पहले लाया गया था, मुझे भी मारपीट हुई थी, उसके लिए तीन आज के लोग आपस में बात करके उधर के लोगों को मार दिया है, उसके कारण थोड़ा सा व्यस्त हो गया है। यार किसका भी कहीं जो 5-6 दिन पहले यार किसका उसके बाद लोगों ने तो झड़प हुई है। बेनीपुर अनुमंडल में सांसद गोपाल जी ठाकुर ने प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत पोहदी पर्री सड़क के शिलान्यास किया, लेकिन जैसे ही शिलान्यास कर वे मौके से निकले, स्थानीय जनप्रतिनिधि जिला परिषद वहां अपने कुछ समर्थकों के साथ पहुंच गए और सांसद गोपाल जी ठाकुर द्वारा किए गए शिलान्यास पट पर कालिख पोत दी। इसके बाद सांसद और स्थानीय विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बताया जाता है कि शिलान्यास कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि जिला परिषद सदस्य को इसकी सूचना नहीं दी गई। इसी से नाराज जिला परिषद सदस्य अमित ठाकुर अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और सांसद गोपाल जी ठाकुर द्वारा किए गए शिलान्यास वाले शिलापट पर कालिख पोत दी और अपना विरोध जताया। इस दौरान दूसरे जिला परिषद सदस्य सागर नवदिया के साथ कई अन्य MSU कार्यकर्ता भी साजिश करके कुचक्र करके स्थानीय जनप्रतिनिधियों का जो है तो मनोबल तोड़ने का काम करते हैं, उनके विचारों को खत्म करने का काम करते हैं। आज सांसद गोपाल जी ठाकुर आते हैं और विभागीय पदाधिकारी को भी कहना चाहते हैं कि अगर आप लोगों को ये लगता है कि किसी गांव में बिना स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, बिना आमंत्रण से, बिना सूचना से अगर आप शिलान्यास करके चले जाइएगा तो यही नौबत आपको देखना पड़ेगा। और सिर्फ ये तो हमारी एक शुरुआत है, अगर स्थानीय जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं मिलेगा उसके हक हुकूक के लिए हम लोग धरना पे बैठ के, अनशन पे बैठ के एक नया प्रस्ताव पारित करेंगे कि जब तक स्थानीय जनप्रतिनिधि नहीं रहेंगे कार्यक्रम में तब तक बड़े बड़े नेताओं का जो कार्यक्रम होता है वो सफल नहीं होने देंगे। इसके लिए कड़े से कड़े विरोध प्रदर्शन करें, उसके लिए हम लोग करने। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। रुद्र सावित्री दरभंगा माइंड फेस्ट प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया पोलो फील्ड में। इस माइंड फेस्ट प्रतियोगिता में 100 स्कूलों से भी अधिक और 1000 से भी ज्यादा छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्रतिभागियों की भीड़ से पूरा स्टेडियम भर गया था और कई शिफ्ट में माइंड फेस्ट प्रतियोगिता आयोजन किया गया था। मालूम किया गया कि 3 मार्च से प्रारंभ होकर 4 मार्च तक 2 दिवसीय प्रतियोगिता कार्यक्रम रखा गया है एवं 4 मार्च को ही चुने गए प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। जिस पुरुष हुआ कार्ड वितरण कार्यक्रम में राज्य स्तर से कई मंत्री और पदाधिकारी भी शामिल होने की सूचना। क्या उम्मीद कर रहे हैं इस पर? अच्छा ही आएगा, रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। नहीं, मेरा ये तीसरा बार है, बहुत ज्यादा इंटरनेशनल स्कूल का
मेंटल एबिलिटी टेस्ट। लगभग कुछ दिनों से हम इसके लिए प्रैक्टिस कर रहे थे और देखेंगे कि क्या होगा। हम इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। कौन सा प्रतियोगिता है जिसमें आप भाग लिए? मेंटल एबिलिटी प्रतियोगिता है जिसमें हमने भाग लिया। ये दरभंगा इंटरेस्ट प्रोग्राम है जो कि सिविक सोसाइटी के द्वारा कराया जा रहा है और इसमें हमारे जिला प्रशासन का सहयोग है। इसमें हमारे सरकारी स्कूल से हर प्रखंड से 21 बच्चे आ रहे हैं। मेरे पास टोटल 9 इवेंट्स हैं जिसमें क्रिएटिव राइटिंग इंग्लिश, स्पेलिंग भी इंग्लिश, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जनरल क्विज, इंडिया क्विज और क्रॉसवर्ड्स हैं और साथ में पेंटिंग कॉम्पिटिशन भी है। इसके अलावा प्रत्येक प्राइवेट स्कूल से भी 20 और 21 बच्चों की सूची आई हुई है। तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि कुछ 1200 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जी निश्चित ये दरभंगा के लिए, दरभंगा माइंड फेस्ट जो है एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है और मैं समझता हूँ कि ऐसा अगर प्रोग्राम हम लोगों ने बिहार लेवल पे शायद पहली बार कराया है। दरभंगा तो हमेशा से इसमें एकेडमिकली आगे रहा है और माइंड फेस्ट एक उसका उदाहरण है। बहुत सारे बच्चे, जैसा बाहर भी देख रहे होंगे कि बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, बच्चों में एक गजब सा उत्साह है। पहले तो मैं सारे सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने शॉर्ट नोटिस पे और इतने तादाद में बच्चे पार्टिसिपेट किए। पूरा जो दरभंगा माइंड फेस्ट है वो सच में एक मेला लग रहा है। आपको मैं बता दूं कि अभी तक हमारा स्पेलिंग भी इंग्लिश हिंदी इवेंट बहुत सक्सेसफुल हो चुका है। हमारा क्रिएटिव राइटिंग इंग्लिश हिंदी बहुत इफेक्टिवली हो चुका है। हमारा मेंटल एबिलिटी टेस्ट चल रहा है और हमारा ड्राइंग कॉम्पिटिशन स्टार्ट होने वाला है। बहुत ही सक्सेसफुल माइंड फेस्ट चल रहा है और इसमें मैं सारे जो हमारे साथ के लोग हैं दरभंगा माइंड फेस्ट की पूरी टीम और जो हमारे प्रशासन से जो सहयोग मिलके जो टीम, जो हमारे टीचर्स सब है डिफरेंट स्कूल्स के, उनका बहुत बहुत सहयोग है। पूरे दरभंगा को इसके लिए एक जश्न का माहौल बनना चाहिए कि क्या पढ़ाई का क्या एक माहौल बना। ये सच में मेला है, माइंड फेस्ट है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल DMCH अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा एवं जिला परियोजना प्रबंधक डॉक्टर ऋचा गार्गी द्वारा संयुक्त रूप से जीविका स्व सहायता केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर आगंतुक अतिथियों का कावेरी जीविका महिला संकुल संघ की दीदियों द्वारा पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। उक्त अवसर पर अधीक्षक ने बताया कि जीविका की यह एक अच्छी पहल है। इसके माध्यम से गरीब परिवारों को आवश्यक जानकारी एवं उन्हें बिचौलियों से दूर रखने में मदद मिलेगी। उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि DMCH में बिचौलियों के बहुत सक्रिय हैं। जानकारी के अभाव वाले रोगियों को जांच व प्राइवेट डॉक्टर, अस्पताल आदि के नाम पर बरगला कर उनका फायदा उठाते हैं। उन्होंने कहा कि अब जीविका के स्वास्थ्य सहायता केंद्र की मदद से इन बिचौलियों के गोरखधंधे बंद हो जाएंगे। DMCH में इलाज करवाने के लिए दरभंगा से ही नहीं आसपास के कई जिलों से बड़ी संख्या में लोग आते हैं। सहायता केंद्र के खुलने से दूर दराज से इलाज के लिए आने वाले लोग व जानकारी के अभाव में भटकने वाले मरीजों को सहायता मिलने से उनकी परेशानी कम हो। मौके पर PCI क्षेत्रीय कार्यक्रम अधिकार मधुकर दास, प्रखंड परियोजना प्रबंधक सदर मोहम्मद सिकंदर आलम, युवा पेशेवर स्वास्थ्य एवं पोषण सुश्री लवली कुमारी, क्षेत्रीय समन्वयक सुजाता आनंद, श्री देव सिंह कमल, सामुदायिक समन्वयक ज्योति सुकुमारी, सोनी कुमारी, अंकिता कुमारी, मास्टर रिसोर्स पर्सन स्वास्थ्य एवं पोषण बबीता कुमारी, जीविका स्वास्थ्य मित्र कुमारी मित्तल, मनीला कुमारी कावेरी, जीविका संकुल संघ की अध्यक्ष सोनी देवी, कोषाध्यक्ष आशा देवी मौजूद। 13 नवंबर को होने वाले प्रमंडलीय सूर्य मिलन सह नागरिक अभिनंदन समारोह की तैयारी को लेकर गुरुवार को रोसरा में रमेश गामी के आवास पर सूर्य समाज की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता संजीव प्रधान ने की। बैठक को रोसरा के पूर्व चेयरमैन सत्येंद्र नायक ने कहा कि यह प्रमंडलीय सम्मेलन ऐतिहासिक होगा। इस सम्मेलन में रोसरा विधान सिंहिया दल सिंह सराय समस्तीपुर जिला से प्रत्येक परिवार से सूर्य समाज की भागीदारी होगी। हायाघाट के पूर्व विधायक अमरनाथ गामी ने कहा कि सूरी समाज को अति पिछड़ा में शामिल करना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि इस जाति की 80% से अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। उन्होंने प्रमंडलीय सम्मेलन में समाज के लोगों को अधिक से अधिक भागीदारी पर बल दिया। कार्यक्रम को जिला प्रभारी दीपक पंजियार, बबलू पंजियार, प्रदीप प्रधान, राम विलास भारती, राम बाबू महतो आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन अजय महतो ने किया। इस मौके पर शिवव्रत महतो, आशीष नायक, आशय कुमार, किशोर कुमार नायक, सौरभ सुमन, आलोक नायक, पप्पू कुमार नायक, आतिश राज, सुमीर महतो, नितेंद्र कुमार महतो, ध्रुव नारायण महतो, प्रमोद नायक, आलोक नायक सहित कई लोग उपस्थित। ये जो अभी अति पिछड़ा का भूख जगा है हम लोग के अंदर, वो भी
अपने जो वैश्य समुदाय है उनका कुछ जातियाँ तेली समाज कानू समाज वो सब अति पिछड़ा में चला गया। वहां लगता है सूरी समाज के साथ अन्याय हुआ। अब व्यवसायिक दृष्टिकोण से देखिएगा अन्य वर्ग के लोग सवर्ण हो या पिछड़ी अति पिछड़ी जाति के हो सभी लोग व्यवसाय में चले आए। जो हमारे क्रेता होते थे वो आज विक्रेता के स्वरूप में आपके कंपटीटर के रूप में व्यवसाय में आ गए। हर तरह के एजेंसी आदमी हो अन्य व्यवसाय में हो ब्राह्मण आपको सभी वर्ग को व्यवसाय करने लगे। तो निश्चित रूप से हम लोगों का जो मूल व्यवसाय व्यवसाय पर निर्भर थे हम लोग आर्थिक स्वरूप गिरक मंगाया। और खुद ही आप बता रहे थे कि प्रधान जी गांधी जी या अन्य कुछ वर्ग को नामचीन लोग को देखकर ये नहीं कह सकते हैं कि सूरी समाज संपन्न है। हम लोग जब गौरव गाथा गाते हैं वो गौरव गाथा इतिहास को आगे रखते हैं। निश्चित रूप से वो इतिहास गौरवान्वित करता है कि हमारे जो पूर्वज हैं समाज के लिए बहुत कुछ दिए हैं। कॉलेज दिए, स्कूल दिए, जलाशय दिए, मंदिर दिए, धर्मशाला दिए। अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा भाकपा माले व अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले गरीब भूमिहीनों का धरना बहादुरपुर प्रखंड में दिया गया। धरना का नेतृत्व माले प्रखंड सचिव विनोद सिंह, नगर सचिव सदीक भारती, खेमासन जिला अध्यक्ष सत्यनारायण मुखिया कर रहे थे।